विंटर वेडिंग सीजन और वो जो दोनों वेडिंग में अटेंड कर रही हूँ ना आई एम लड़की वाले और वो दोनों लड़कियाँ मेरे बहुत ही क्लोज हैं वन इज माई कजिन एंड वन इज माई बेस्ट फ्रेंड्स सिस्टर शी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी सो इसलिए न्यू ईयर के लिए कोई ग्लोअप वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई न्यू की वेडिंग आने वाला है तो मैं वेडिंग में अच्छा खासा ग्लोअ अप करूंगी कुछ हटकी चीज़ें ट्राई करूंगी सो इस बार आई एम फोकसिंग ऑन माई हेयर माई नेल माई स्किन एवरीथिंग इज कॉन इंक्लूडेड इन टू दिस वीडियो एंड And a part of today's video is in collaboration with Maybelline. I'm super super thankful to them. And it is possible all because of you guys. I'm so grateful to you guys as well. I'll be talking about their Super Stay Matte Ink lipstick. They're available in 16 different shades. I'll be talking about my top three that really suits my skin tone. So without further ado, let's begin with today's video and let's start this glow up routine. एवरीज सलॉन फॉर हेयर कट मैं सात आठ महीने बाद हेयर कट करा रही थी मुझे ज्यादा कुछ फैंसी हेयर कट चाहिए नहीं था आई जस्ट वॉन्टेड कि थोड़े से मेरे लेंथ ट्रिम हो जाए जो डैमेज हेयर थे वो चले जाए एंड लिटिल बिट ऑफ फेस फ्रेमिंग सो सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया अच्छे से शैम्पू कंडीशन किया बालों को एंड देन बिगेन दी कट जो हेयर कट मैं करा रही हूँ ना दिस इज कॉल नेचुरल इन्वर्जन जिसमें नीचे से बाल स्ट्रेट रहते हैं एक लेयर रहता है आपके बालों में ताकि आपके बालों में हल्का सा टेक्स्चर दिखे उसके बाद सामने से आप चाहो तो फेस फ्रेमिंग करवा सकते हो दैट इज वॉट आई ऑप्टेड फॉर द एंटायर हेयर कट 45 फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर ऑफ टाइम मेरे बाल ज्यादा घने नहीं है थिक नहीं है तो मेरे बालों में इतना ही टाइम लगता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने से वो मेरे फेस को फ्रेम कर रहे हैं हेयर कट हो जाने के बाद उन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया काफी अच्छे से मुझे अपने बाल ब्लो ड्राई अच्छे लगते है बट मैं देखना चाहती थी की ऐसे वेबी कल्ल्स में कैसे लगेगा मेरा हेयर कट तो उन्होंने मेरे बालों में बेबी कल्स दिए विद हेल्प ऑफ दी स्ट्रेटनर उन्होंने कर्ल्स को सेट करने के लिए मना किया था मैं चाहती थी की नेचुरल फॉल आए कर्ल्स खुलने के बाद मेरे बालों में एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट आई वॉज रियली हैप्पी विद द वे माई हेयर वॉज स्टाइल्ड एंड मैंने घर आके भी बिफोर एंड आफ्टर क्लिप आप लोग के लिए फिल्म किया आप लोग देख सकते हो कि कर्ल्स खुल गए मेरे बालों के बट ओवरऑल आई रियली लाइक द हेयर कट क्योंकि जो डैमेज बाल थे नीचे से वो सारे जा चुके थे एंड आई हैड फेस फ्रेमिंग नीचे से स्ट्रेट बाल थे मेरे एक लेयर भी था मेरे बालों में सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद द हेयर कट लेग्स में आर्म्स में अंडर आर्म्स में ग्रोथ नहीं थी ज्यादा इसलिए मैंने वैक्सिंग ऑप नहीं किया क्योंकि वैक्सिंग से बाल निकल नहीं पाते और शेविंग से मुझे इरटेशन हो जाता है पैरों में सो so दैट्स मैंने एपिलेटर पहले यूज किया हुआ है चार साल पहले तक मैं एपीलेटर ही यूज किया करती थी ऑन रेगुलर बेसिस इसमें आपको ट्रिक ये होता है की यू हैव टू गो इन दी अपोज डायरेक्शन ऑफ दी हेयर ग्रोथ और एक ही जगह पे आपको एक दो बार करना पड़ता है ताकि बाल अच्छे से रूट से निकल पाए इसका जो पेन टॉलरेंस होता है ना दैट इज वेरी सिमिलर टू वैक्सिंग सो मैंने अच्छे से लेग्स पे एपीलेटर अप्लाई किया कुछ फाइव मिनट के अंदर मैंने दोनों लेग्स में एपिलेट कर लिया था अपने बालों को। मैंने को जस्ट दी ऑफ हेयर मैंने आर्म्स में भी यूज़ किया। यहाँ पे ट्रिक ये है कि यू हैव टू मेक श्योर की जिस एरिया पे आप एपीलेटर को यूज कर रहे हो ना वो एरिया ड्राई होना चाहिए तभी जाके एपिलेटर अच्छे से ग्लाइड हो सकता है स्लाइटली इन एन एंगल ताकि एपिलेटर अच्छे से बालों को खींच सके उसके, उसके रूट से ऑलसो गाइज वन आई हैव टॉक्ट अबाउट बॉडी हेयर इन जनरल मैंने हमेशा कहा है कि जस्ट बिकॉज आई एम शोइंग रिमूविंग बॉडी हेयर यू रियली डोंट हैव टू डू इट यू डू यू इफ यर ओके विद योर ओन बॉडी हेयर यू डू यू ऑल राइट आफ्टर यूजिंग द एपिलेटर ये सारे बाल मेरे निकल के आए हैं हेड पे आपको दिख रहा है सो मैंने ब्रश की मदद से इसे क्लेंस किया जो कि एपिलेटर के साथ ही आता है एंड देन आई स्टार्टेड रिमूविंग दी अंडर आर्म हेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं मेरे अंडर आर्म्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेकिंग श्योर की वो एरिया ड्राई है सो थोड़ा सा पाउडर अपलाई किया उसके बाद मैंने अगेन इन देश ऑफ द हेयर ग्रोथ एपिलेटर को यूज किया अंडर आर्म्स में बहुत ही आसानी से निकल गए थे मेरे सारे के सारे बाल उसके बाद मैंने थोड़ा सा टोनर एक कॉटन पैड में लेकर अंडर आर्म्स में अप्लाई किया जस्ट टू काम डाउन माई अंडर आर्म स्किन एंड बॉडी लोशन विच इज एनरिज विद वाइटमिन ई एंड शिया बटर उसे लेके मैंने अच्छे से अपने पूरे लेग्स पे अप्लाई किया टू तो प्रोवाइड नरिशमेंट बैक टू तो माई बॉडी जैसे पोस्ट शेविंग रूटीन और वैक्सिंग रूटीन जरूरी होता है वैसे ही पोस्ट एप्लेटिंग रूटीन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है एपलेटिंग करने के बाद इसलिए अच्छा खासा थिक कोट में अप्प्लाई कर रही हूँ वही बॉडी लोशन ले लेके मैंने अपने हैंड्स पे भी अप्लाई किया अगेन मैंने अच्छा खासा थिक कोट लिया है यहाँ पे एंड दैट्स हाउ आई डेड दिस एपलेटिंग रूटीन ये मैंने करीबन एक डेढ़ घंटे में फिनिश कर लिया था ट फॉर माई नेल अपॉइंटमेंट एक घंटे के अंदर मुझे निकलना है आज मेरा काफी लंबा दिन जाने वाला है क्यूँकी नेल्स कराने के बाद ना मैं आउटफिट ट्रायल के लिए भी जाऊंगी जो की मेरे संगीत आउटफिट है ना वो मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करवा रही हूँ लॉन्ग डे अड so entire makeup is done last thing is left is lipstick and i want to wear a long wear lipstick and a part of today's video is in collaboration with maybelline i'll be talking about their super stay matte ink lipstick they come in 16 different unique shades and i have three with me which look have or on my skin tone and my pigmented lips i'm going to swatch all of these three lipstick for you all and i'm going to be wearing one of the lipstick for today this is what the packaging of maybelline super stay matte ink lipstick looks like it comes with a

है ना नेल के लिए मैं कोई चटक भटक सा कलर कराऊंगी जो कि वेडिंग में डिफरेंट आउटफिट के साथ काम आ जाएगा चल जाएगा आई एम थिंकिंग ब्लड रेड ऑन माई नेचुरल नेल कलर मैंने इसे कभी ब्लड रेड करवाए नहीं आई हैव ऑलवेज आईजन लाइक अ न्यूटेड म्यूटेड सॉर्ट ऑफ कलर्स बट इस बार ब्लड रेड में सोच रही हूँ दो नेल्स पे मैं थोड़े से ग्लिटर टाइप की करा लू और बाकी में ब्लड रेड कलर बड़ी बेस्ट थिंग बहुत ज़्यादा क्या? सबसे पहले जो मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था उन्होंने उसे किया कुछ ब्राइट रेड थे कुछ एकदम ऑरेंजी रेड थे कुछ डीप रेड कलर्स थे कुछ मरून कलर्स थे एंड आई वॉन्टेड समथिंग इन बिटवीन रेड एंड डीप रेड कलर जो उन्होंने मेरे राइट हैंड के पिंकी फिंगर पे अप्लाई किया था ना कलर वो आई ऑप्टेड फॉर एंड देन दे स्टार्ट दी प्रोसेस सबसे पहले उन्होंने मेरे नेल्स को शेप दिया मेरे पास जो नेल्स की लेंथ थी वो ज्यादा नहीं थी सो जो भी लेंथ थी उस पर ओवर शेप आई ऑप्टेड फॉर देन दे स्टार्ट दी प्रोसेस जो मेरे नेचुरल नेल्स थे ना वो ज्यादा लंबे नहीं थे जितने भी लंबे थे उसमें आई ऑप्टेट फॉर ओवर शेप एंड देन दर प्रोसेस टू अराउंड फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर ऑफ टाइम एंड वे कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं रेगुलर जेल पॉलिश नेल की कॉस्ट है यहाँ पे वन जीरो फाइव जीरो रुपीज बट मेरे चार फिंगर्स पे ग्लीटर भी एड करवाया है एंड ऑन ईच फिंगर गॉस्ट इज हंड्रेड रुपीज सो इन टोटल इट कॉट मैं वन फोर्थ फाइव जीरो जो रेड नेल पेंट का कलर किया, न, उसे न दो बार किया, और क्योर किया था और मैंने दो फिंगर्सिटर मुझे चेंज करवा लेना चाहिए था कुछ और कर लेना चाहिए था बट इट वॉज टू लेट गाइज बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस जस्ट टू डेज बिफोर दी वेडिंग सो आईट लाइक नो टाइम टू लाइक गेट इट चेंज ऑल सो एंडीज जेल नेल्स केन लास्ट ऑन योर नेल्स विदाउट चिपिंग फॉर अपने

ज बिन लुकिंग लेटली ऑनस्टली इट इज डूंग मच बेटर लेटलीज नॉट मेनी एंड ऑन माई फेस और मैं वेडिंग के लिए जा रही थी तो मैं चाह रही थी सिंपल सा ग्लो अप करूँ फॉर माई फेस टू टेक केयर ऑफ माई स्किन वस्ट टू मेंटेन दैट और दैट एलिंग ट्वेंटी फोर के गोल्ड फेशियल यू और जो फेशियल मास्क है ना इसे हफ्ते में दो से तीन बार अप्लाई करना रहता है मैं ऑलरेडी दूसरी बार अप्लाई कर रही हूँ इसे और मैं वेडिंग में पहुंच जाऊंगी तभी मैं इसे एक और बार यूज करूंगी इट प्रोवाइड इंस्टेंट ग्लो टू यूर स्किन और वो ग्लो मेंटेन रहता है कुछ एक दिन तक

फेस मास्क इंस्टेंटली आपके फेस को एक हाइड्रेशन मिलता है योर फेस अपियर डुई ग्लोई ब्राइटर पोस्ट फेस मास्क रूटीन के लिए मैं अप्लाई करूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाइटामिन सी सिरम ऑल ओवर माई फेस अगेन वाइटामिन सी इज रियली ग्रेट फॉर रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन ऑल्सो इट प्रोवाइड ब्राइटर लुकिंग स्किन द बेनिफिट ऑफ द दाइटमिन सी सिरम एल बी अप्लाइंग फेस क्रीम ऑल ओवर माई फेस दिस क्रीम इज अगेन एंड विद वाइटमिन सी सो अच्छे से पूरे फेस पे अंडर आइज पे और नेक पे इस क्रीम को मैंने अप्लाई किया है और जहा 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 मुझे एक्टिव एक्ट जा act ने दिख रहा है विद वाइट हेड उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी पिंपल पैच फिलिप्स so, के पास एक एक् था और चीक्स के पास एक एक् था वहाँ पे मैंने पिंपल पैच अप्लाई कर दिया है एंड आई डिड दिस एंटायर रूटीन वन डे बिफोर गोइंग फॉर द वेडिंग एंड दिस इज द ग्लोअ फॉर माई स्किन सो दट इज लास्ट थिंग फॉर माई विंटर वेडिंग वेडिंग अटेंड करके मैं आई हूँ अभी एक और वेडिंग अटें मुझे बचा है दैट इज गडीसा मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया दिल्ली वाली वेडिंग में आपको काफी सारा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा आउटफिट फ्राम स्क्रैच वाले वीडियो वेडिंग ब्लॉग्स इंस्टाग्राम में भी मैं कॉन्टेंट पोस्ट करती जा रही हूँ काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं कॉन्टेंट इनफेट इस वीडियो का आउट खत्म करने के बाद आई एम गोर मी फिल्मिंग शादी लुक दट आई वॉज वेरिंग एज अ वेडिंग गेस्ट बहुत लोगों ने पंद्रिया मेरा मेकअप और आउटफिट उसमें दिस वॉज दिट आई वॉज वेरिंग सो या आई रियली हो